मतलब आप लोग फूल खिला दीजिएगा महाराज गंज, निश्चित रूप से फूल खिलेगा। और जो कुल की बात करते हैं वो कुलद्रोही लोग हैं, वो भूमिहार नहीं है, भूमिहार के हत्यारों के साथ रहे हैं। फूल एकदम खिला देना, एकदम खिलेगा, पूरा पूरा फूल खिलेगा। तो जो है महाराजगंज लोकसभा में और महाराजगंज लोकसभा में कुल और फूल की बात की जा रही है, और बता बात करेगी तो भाजपा ने पूरे भूमिहार के बड़े बड़े नेता को महाराजगंज लोकसभा में उतार दिया, और मेरे साथ भूमिहार के कई दिग्गज नेता मेरे साथ मौजूद हैं, और फूल कुल की बात की जा रही है। तो क्या कुछ आखिरकार फूल क्या होगा, कुल की मतलब क्या होता है, तमाम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ भूमिहार तीनों लोग जो है भूमिहार है, और भूमिहार भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता है भूमिहार के, सभी लोग महाराजगंज लोकसभा में उतर चुके हैं। सर क्या होगा आपकी बार, फूल कुल की बात की जा रही है महाराजगंज में? कैसा फूल और कुल, अखिलेश सिंह कहां कुल के व्यक्ति हैं भाई, ये कुल तो के व्यक्ति सभी भूमिहार एक हो जाए महाराजगंज में। मैं पूछना चाहता हूं, महाराजगंज के लोग नहीं जानते हैं अखिलेश बाबू का, जब जहानाबाद मगध के इलाके में भूमिहारों का हत्या हो रहा था, सेनारी और बारा जैसे, मिर्जापुर जैसे जघन्य नरसंहार हो रहे थे, अखिलेश बाबू लालू राबड़ी के मंत्रिमंडल में शामिल थे। बारा नरसंहार हुआ, सेनारी नरसंहार हुआ, वो क्या वहाँ जाने का काम उन्होंने किया? एक दिन भी उन्होंने कदम नहीं रखा। कैसा कुल था उनका? उनका कुल वही था, जब बिहार में, मध्य बिहार में भूमिहारों का हत्या हो रहा था, तो हत्यारों के साथ मतलब लालू यादव और राबड़ी देवी जो भूमिहारों की हत्या करा रही थी उसके साथ वो खड़े थे। तो वो कुल के व्यक्ति नहीं है, वो कुल द्रोही व्यक्ति हैं। तो आज तो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये तो महाराजगंज को भरमाने आए हैं, ये महाराजगंज को भरमाने आए हैं। इन्होंने मगध के इलाके में भूमिहारों का हत्या कराया, संरक्षण दिया, और आज कुल की बात करते हैं। कैसा कुल इनका रहा, याद कीजिए आप 1996 में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता थे रमाश्रय प्रसाद सिंह जी, बिहार में बारा में नरसंहार हुआ जहाना अरवल जिले के, उस नरसंहार में रमाश्रय प्रसाद सिंह ने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन किया। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि राबड़ी जी आप बताइए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, कि आप बारा क्यों नहीं गए, और उस मंत्रिमंडल में अखिलेश बाबू स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे। तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बोली कि मुझे भूमिहार वोट नहीं देते हैं, इसलिए मैं क्यों जाऊं वहां। माननीय अखिलेश बाबू, अगर आप कुल के व्यक्ति होते तो उसी समय मंत्रिमंडल और विधानमंडल दल से, विधायक से इस्तीफा दे देते और कुल के साथ रहते। आप तो कुल द्रोही के साथ के रूप में थपड़ी बजा रहे थे राबड़ी देवी के उस भाषण पर, तो आप कुल के व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, ये आप ही लोग बता सकते हैं। अच्छा, जहानाबाद से अभी बिलोंग करते हैं, जहानाबाद से अखिलेश सिंह का परिवार भी वहीं से बताया लगे, जहानाबाद से बिलोंग करते हैं, तो क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे महाराजगंज धरती पर पहुँच गए हैं, तो क्या लग रहा है महाराजगंज फूल खिलेगा? महाराजगंज में हर हालत में फूल खुलेगा। महाराजगंज का बेटा जो हमेशा एक सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जो सभी समाज को जोड़कर सामाजिक संबंध बनाकर ये चलने का काम करते हैं, एक तरफ नशाबाज और दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आप नहीं जानते होंगे तो जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये बाबू आकाश बाबू लंदन गए थे पढ़ने के लिए, पिता ने इनको लंदन भेजा था, ये नशा करने के कारण इनको उस कॉलेज से निकाल दिया गया, इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुई और उनकी वीजा को रद्द कर दिया गया। वैसे हैं आकाश कुमार, इसलिए आप समझ सकते हैं, ये आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, ये लंदन रिटर्न है, इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है, इनकी वीजा रद्द है। बात तो की जा रही है कि 32 वर्ष से काफ़ी पढ़े लिखे युवक हैं, आप पूछिए उनसे, आप सवाल पूछिए कि जहानाबाद के ही रहने वाले महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का एक व्यक्ति पूछ रहा है आपसे कि क्या आपके ऊपर लंदन में मुकदमा दर्ज हुआ था, क्या आपका लंदन का वीजा रद्द कर दिया गया है, वो कृपया बताएं, आप लोगों के बीच में बताएं, मैं उसका प्रूफ रखे हुए हूं कि उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है लंदन में। तो अपना परिचय बता दीजिए। शशि रंजन, लोकसभा प्रभारी महाराजगंज, जहानाबाद भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष।